तो उसमें क्या है, आजकल के हीरोइंस तो स्विट्जरलैंड में भी छोटे कपड़े पहनकर डांस करती हैं। छोटे कपड़े पहनकर तुम लोग नाच तो सकती हो, लेकिन ये पत्नी वगैरह ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। दीपू तुम कितने नेगेटिव हो, तुमने हमारी खुशियों पर पानी फेरने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एग्जैक्टली तुम बिल्कुल वो नहीं हो जो हम लोगों ने सोचा था, है ना किंजी? हाँ, और तुम औरतों की बदकिस्मतियों का फायदा उठाते हो, तुम आदमी नहीं वैश्य दरिंदे हो तुम। हाँ तुम किंजी, इससे पहले कि ये हमसे कुछ और काम कराए, लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर। या बाय। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है ना, अनजाने शहर में अगर कोई कंपेनियन मिल जाता है तो काम बहुत आसान हो जाता है। हाँ, कंपेनियन के लिए नहीं। तुमने कुछ कहा? यही कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया। आई नो, मैं भी चाहती थी कि कुछ और वक्त यहाँ गुजारूं, तुम्हारे साथ बिताऊं, लेकिन क्या करूं, दुनिया में इतने जुल्म है, अब किसी ना किसी को तो उनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा ना। बट यू डोंट वरी, वो जो आइटम गर्ल्स की कोच करते हैं ना, वो शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका नाम भी मेरे लिस्ट में है, और उनसे निपटने के लिए मुझे मुंबई तो आना ही है, लेकिन उससे पहले मुझे जाना है आगरा। तुम तो जानते होंगे, कुछ सरफिरे नेता मिलकर ताज को एक मूनलाइट रोमांस का डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। ऑफ ऑल द पीपल, इसमें बुराई क्या है? ताज से ज्यादा और रोमांटिक स्पॉट क्या हो सकता है? बुराई ये है कि रोमांस के नाम पर वहाँ अश्लील हरकतें होंगी, फिजिकल एंड कल्चरल। मैंने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो और मुझे पसंद भी हो। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ तुम यही कहने वाले हो ना कि मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। लेकिन दीपू, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, आई मीन फिलहाल तो नहीं। वो क्या है ना, मेरी जिंदगी में मेरे मिशन के अलावा इस वक्त किसी और चीज के लिए वक्त ही नहीं है। बट यू डोंट वरी, हम दोस्त तो रह सकते हैं, है ना? और वैसे भी आगरा का केस खत्म करके मैं मुंबई आने वाली हूँ, वो आइटम गर्ल की लिस्ट के लिए। तुम मेरी मदद कर सकते हो, हम दोनों पहुंच जाएंगे। नहीं। क्यों? मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। क्या है ना कि तुम्हारी बात से मेरा दिल टूटा है, अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना जख्म भरने में। मैं समझ सकती हूँ, मैं चलता हूँ। ओके। अरे दीपांकर, तुम्हारा बिजनेस कर तुम रख लो, मुझे फोन करना। आदित्य,